दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं मसूरी। मसूरी का आपको वर्चुअल ट्रिप देने वाले हैं पूरा, और बहुत ही मजे करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप भाई होटल कैसे लेंगे या कैसे पहुंचेंगे भाई मसूरी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं मसूरी, जिसे क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी की सुंदर वादियाँ और सुंदर मौसम पूरे इंडिया में ही काफी फेमस है। यहाँ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं बाकी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। मसूरी इंडियन नॉर्दर्न स्टेट उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से करीब 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। मसूरी आप कैसे पहुँच सकते हो? तो भाई बस, ट्रेन, फ्लाइट कैसे भी आप पहुँच सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आपको मिलेगा वो देहरादून में मिलेगा एयरपोर्ट, ठीक है। तो देहरादून से भाई आप बस लेके या प्राइवेट टैक्सी करके मसूरी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मसूरी में घूमने के लिए यूं तो बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं, जैसे कि भाई वाटरफॉल, मॉल रोड, नेचुरल ब्यूटी वहाँ की। भाई खाना पीना मसूरी का भाई बहुत ही स्वादिष्ट। तो इन सबको मिला के भाई मैंने आपके लिए निकाली है टॉप की 9 जगहें मसूरी में। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि भाई आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे, सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है मसूरी में इन जगहों पे घूमने का। तो हमारे 9वें नंबर पे आता है भाई मसूरी में ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर उतना ही पुराना है जितना कि वैष्णो देवी। दोस्तों एक बात और बता दूँ, भाई ज्वाला देवी मंदिर की दूरी हम बताएंगे आपको लाइब्रेरी चौक से। भाई मसूरी में सिटी सेंटर माना जाता है लाइब्रेरी चौक। तो मैं जितनी भी प्लेसेस आपको घूमने की बताऊँगा टूरिस्ट प्लेसेस मसूरी में, तो भाई वो बताऊँगा आपको लाइब्रेरी चौक से, ठीक है। तो दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर अपनी हसीन वादियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का जो व्यू है, जो नेचर है, बहुत ही अच्छा लगता है, मनमोहक। और यहाँ पे आप पैदल चल के भी आ सकते हैं। दोस्तों सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुलता है। यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है, और अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप सुबह दर्शन करने आएँ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्लेस की तरफ, जो कि लाल तिब्बा सीनिक पॉइंट। दोस्तों लाइब्रेरी चौक से लगभग 7.5 किलोमीटर पड़ता है और आपको आधे घंटे लगेंगे जाने में। इसका असली मतलब होता है दोस्तों लाल पहाड़। ये दोस्तों मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। यहाँ से दोस्तों आप हिमालय माउंटेन की रेंज भी देख पाएंगे। यहाँ पे रूफ टॉप पे एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, यहाँ से हिमालय का आप क्लोजर लुक भी ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आके आपको ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग करने का मजा आएगा। और दोस्तों टाइमिंग की बात किया है तो भाई सुबह के 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको टाइमिंग मिल जाएगी, मतलब खुला रहता है। और यहाँ की टिकट की बात किया है तो भाई 50 रुपये पर पर्सन लगता है, 1 घंटे सफिशियंट यहाँ पे घूमने के लिए। और दोस्तों ये जगह फोटो फ्रीक के लिए बहुत ही मस्त है, यहाँ पे अच्छी फोटो वोटो बहुत अच्छी आती है, वीडियो इंस्टाग्राम पे खींच खींच के आपको डालने में मजा आएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली प्लेस की तरफ, जो कि है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च दोस्तों लाइब्रेरी चौक से मात्र 600 मीटर की दूरी पर पड़ता है और आप इसे पैदल भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों मॉल रोड से कसमिंदा पैलेस की तरफ आप जाएंगे तो आपको पड़ जाएगा। क्राइस्ट चर्च का निर्माण दोस्तों 1836 में ब्रिटिश कम्युनिटी द्वारा हुआ था। क्राइस्ट चर्च दोस्तों उस दिन जाए जिस दिन आप भाई मॉल रोड जा रहे हो, क्योंकि पास में पड़ेगा और आपका होटल भी अगर पास में तो आपको जाने में आसानी होगी। दोस्तों इसकी टाइमिंग की बात कर लिया तो सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। इसकी कोई फीस नहीं, एंट्री फीस कुछ भी नहीं। और दोस्तों सजेशन रहेगा जब भी आप क्राइस्ट चर्च विजिट कर रहे हो तो भाई ऐसे कपड़े पहन के आएँ जिसमें आपके शोल्डर और नीज ढके हुए हों। तो हम बढ़ते हैं अपने अगली प्लेस की तरफ, जो कि है केमल बैक रोड। दोस्तों लाइब्रेरी चौक से मात्र 3 किलोमीटर पड़ता है और दोस्तों मसूरी मॉल रोड पर अगर आप हैं तो वहाँ से पैदल चल के भी जा सकते हैं। दोस्तों केमल बैक रोड मशहूर है अपनी पीसफुल वॉक के लिए। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि भाई जहाँ से जो नेचर देखने को मिलता है, यहाँ से जो वादियाँ देखने को मिलती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। यहाँ आप सुबह की जॉगिंग कर सकते हैं, मतलब 7 बजे से 10 बजे तक, और शाम को वॉक कर सकते हैं 5 बजे से कभी भी। और दोस्तों केमल बैक रोड पे आपको शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी वहीं आसपास की, तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। 24 घंटे दोस्तों खुला रहता है। और दोस्तों सजेशन ये रहेगा कि आप सुबह ही जाएँ घूमने अगर जा रहे हो तो, और वहाँ की कोई फीस नहीं रहती, एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है गन हिल पॉइंट। दोस्तों गन हिल पॉइंट लाइब्रेरी चौक से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको 20 मिनट का समय लग जाएगा जाने में। दोस्तों ये सबसे हिस्टोरिक और सेकेंड हाईएस्ट पीक है मसूरी का, और दोस्तों फेमस है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पर फोटोज़ बहुत अच्छी आती है और बहुत से लोग यहाँ पर सिर्फ फोटो खींचने आते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको हिमालय रेंज का 360 व्यू भी दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और दिख जाएगी, जो कि है डून वैली। डून वैली आपको यहाँ से साफ दिख जाएगी। और दोस्तों गन हिल पॉइंट इसलिए भी फेमस है क्योंकि मॉल अपनी मॉल रोड से 400 फीट और ऊपर है। दोस्तों गन हिल पॉइंट जाने के लिए आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपवे दोस्तों आपको मसूरी मॉल रोड से मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ गन हिल पॉइंट जाने का समय होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और जो रोपवे की टिकट है दोस्तों मैं बता दूँ कि 75 रुपये पर पर्सन है। दोस्तों हमारा सजेशन तो ये रहेगा कि भाई कभी भी रेनी सीजन में ना जाएं, क्योंकि आपको उतना जो व्यू है वो देखने में मज़ा नहीं आएगा, व्यू उतना साफ नहीं मिलेगा। क्लियर वेदर में जाएंगे तो व्यू आपको साफ मिलेगा और वहाँ आपको देखने में भी मज़े आएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो कि है भट्टा फॉल्स। दोस्तों भट्टा फॉल्स लाइब्रेरी चौक से मात्र 13 किलोमीटर है और पहुंचने में आपको 30 से 35 मिनट का समय लग जाएगा। दोस्तों भट्टा फॉल्स रिसेंटली डेवलप हुआ पिकनिक स्पॉट, अभी कुछ समय पहले ही डेवलप हुआ पिकनिक स्पॉट के रूप में, जो कि मसूरी के पास भी है। दोस्तों टूरिस्ट के बीच आजकल बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन बनता जा रहा है भट्टा फॉल्स। और दोस्तों ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ही शानदार जगह है, यहाँ पर ट्रैकिंग करने में बहुत मजे आते हैं। दोस्तों ट्रैकिंग करते करते मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो कुछ किलोमीटर की ट्रैकिंग तो आपको करनी पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए।
दोस्तों यहाँ भट्टा फॉल पहुँचने के बाद आपको करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। दोस्तों यहाँ फॉल में पर्यटक नहाना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों भट्टा फॉल में बीच बीच में खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि उबलेंडे, मैगी, नूडल वगैरह बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। दोस्तों भट्टा फॉल जाने के लिए आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रोपवे का कुछ चार्ज है, लेकिन मैं आपको बता दूँ भट्टा फॉल में कोई एंट्री फीस नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेशन की तरफ, जो कि धनोल्टी। दोस्तों धनोल्टी 60 किलोमीटर दूर पड़ता है देहरादून से और 2-2.5 घंटे का रास्ता है। दोस्तों धनोल्टी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि गरमाल हिमालय रेंज में बसा हुआ है। दोस्तों वहाँ वो जहाँ धनोल्टी आना जाता है अपनी सीनिक ब्यूटी और नेचुरल चार्म के लिए। दोस्तों यूँ तो बहुत सी जगह धनोल्टी में घूमने के लिए, लेकिन अपन बात करें अगर इको पार्क की, देवगढ़ फोर्ट की, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों एडवेंचर पार्क, तेहरी डैम, ये यंगस्टर के बीच काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों अगर आप मसूरी से धनोल्टी आने का प्लान कर रहे हैं तो एक दिन बहुत सफिशिएंट है घूमने के लिए। एक दिन में आपका पूरा कार्यक्रम हो जाएगा घूमना फिरने का धनोल्टी में। और दोस्तों धनोल्टी में अगर बेस्ट सीजन की बात किया है कि भाई कब घूमने आना चाहिए, तो भाई है वो मानसून सीजन के बाद। मानसून सीजन के बाद भाई वहाँ की हरियाली और खूबसूरती देखते ही बनती है। और दोस्तों आप धनोल्टी कैसे आ सकते हैं, तो भाई मैं बता दूँ कि लाइब्रेरी चौक से आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी, और या तो आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो भाई उससे भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार नंबर 3 पे आता है मसूरी लेक। दोस्तों मसूरी लेक लाइब्रेरी चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और दोस्तों देहरादून मसूरी हाईवे पर स्थित है। दोस्तों मसूरी लेक सिटी बोर्ड द्वारा मतलब डेवलप एक पिकनिक स्पॉट है, मतलब टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली। और वहाँ पर आपको भाई शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी शॉप्स भी मिल जाती है। दोस्तों वहाँ पर मिलता है आपको एक हॉन्टेड हाउस, और दोस्तों वहाँ पर आपको बोटिंग करने को भी मिलती है, और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आप बहुत सारा कर सकते हैं, जिसमें शामिल है दोस्तों KTV राइडिंग, स्काई वॉक और जिपलाइन जैसी चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़ा आएगा आपको। दोस्तों मसूरी लेक में पार्किंग के जो है मसूरी लेक में मतलब जाने की जो एंट्री फीस है वो 12 रुपये है और गाड़ी के अलग से हैं। दोस्तों इसकी टाइमिंग की बात किया तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है। तो दोस्तों इसी प्रकार अपने नंबर 2 पे आता है केम्प्टी फॉल्स। दोस्तों केम्प्टी फॉल्स लाइब्रेरी चौक से मात्र 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको 30 से 40 मिनट का समय लग जाएगा जाने में। दोस्तों बहुत ही एक फेमस टूरिस्टिक स्पॉट है, हर साल लाखों की संख्या में भाई यहाँ पे केम्प्टी फॉल्स में लोग आते हैं मसूरी का। उसके बाद भाई केम्प्टी फॉल जाने के लिए आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आने और जाने में आपको 120 रुपये की टिकट देनी होगी। मज़ा आपको दोस्तों बहुत आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों टाइमिंग की बात कर लिया केम्प्टी फॉल की, तो भाई सनराइज से सनसेट तक का है और कोई एंट्री फीस नहीं है। और दोस्तों बेस्ट टाइम की बात किया है कि भाई यहाँ घूमने कब आना चाहिए, तो दोस्तों गर्मियों का समय सबसे बेस्ट रहेगा। और हमारा एक सजेशन और रहेगा दोस्तों कि जब भी आप यहाँ विजिट करने आए केम्प्टी फॉल, तो भाई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ जरूर रखें, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत पड़ी जाएगी। तो दोस्तों हम अब आते हैं अपनी लास्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है भाई मॉल रोड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों बहुत ही फेमस है मॉल रोड यहाँ की। और दोस्तों ये शुरू होती है लाइब्रेरी चौक से, मतलब लाइब्रेरी चौक से बिल्कुल साइड में ही है, बगल में ही है। दोस्तों ये पूरी रोड जाती है लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक। दोस्तों ये फेमस है अपनी फोटोग्राफी के लिए, सीनिक व्यू के लिए। दोस्तों यहाँ आपको बेस्ट बेस्ट होटल देखने को मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। और अगर घूमने फिरने की बात किया है, तो यहाँ पे पैदल घूमने फिरने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मॉल रोड पर जब आप घूम रहे हो तो आइट साइड में आपको बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारी वेराइटी की मतलब बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे, जो आप खरीद के अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए ले आ सकते हैं। दोस्तों बात किया भाई सबसे फेमस जो लवली चीज़ ऑमलेट वाला है, वो भी यही मिलता है, सबसे फेमस है यहाँ का ऑमलेट। एक बार जरूर आइएगा तो ज़रूर खाइएगा, मतलब बहुत ही फेमस है, मज़ा जाएगा आपको खाने में, ठीक है। वीडियो गेम पार्लर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सजेस्ट यही किया जाता है कि भाई अगर आप होटल ले रहे हो तो मॉल रोड पर ही लें, और भाई मॉल रोड की एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कार लेके आते हैं तो आपके 150 रुपये लग जाएंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मसूरी का कंप्लीट टूर गाइड हमने आपको देने की कोशिश की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, मेहनत भी लगी इस वीडियो को बनाने में। फटाफट लाइक करें इस वीडियो को और मेरा उत्साह बढ़ाएं, सब्सक्राइब कर लें, घंटा दबा लें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मेरे चैनल की मिलती रहें, ठीक है। दोस्तों तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।